आज मैं बच्चों आप लोग को जो पढ़ाने जा रही हूँ वो है लेसन नंबर टू का आपका। ये लेसन नंबर टू का मैंने पहले ही वीडियो भेजा था यूज ऑफ प्लांट, जिसका पेज नंबर 16 पढ़ाने जा रही हूँ। ठीक है, इसमें पहले वीडियो में हम लोगों ने देखा क्या क्या मिलता है प्लांट से, अब आगे और कि क्या क्या चीज़ मिलते हैं ये हम लोग देखेंगे। वी ऑल्सो गेट टी, कॉफ़ी, कोको एंड शुगर फ्रॉम प्लांट। आप लोग जानते हो हम जो चाय पीते हैं वो भी प्लांट से आता है, उनके पत्तों से। ठीक है, कॉफ़ी ये फ्रूट से, कोको जो है ये भी उनके सीड से, और शुगर ये शुगर केन से। यहाँ दिख रहा है ना, टी ये पत्तों से बनता है, कॉफ़ी सीड से बनता है, कोको जो है फ्रूट से बनता है, और शुगर जो है ये स्टेम से बनाया जाता है, शुगर केन के स्टेम से बनाया जाता है। तो हमें ये सब चीज़ें भी प्लांट से मिलती हैं। प्लांट गिव्स अस ऑयल, प्लांट हमें तेल भी देता है। आप घर में पूड़ी पराठा वगैरह खाते हो, पकौड़ा तल के खाते हो, तो तेल यूज़ करती है मम्मी सब्जी बनाने के लिए। वो तेल भी जो है वो हमें क्या होता है कि मस्टर्ड और ग्राउंड नट सनफ्लावर से मिलता है। ठीक है, सरसों का तेल को मस्टर्ड ऑयल बोलते हैं, ग्राउंड नट मूँगफली का तेल, और सनफ्लावर आप लोग देखते हो ना, सनफ्लावर के सीड से सनफ्लावर ऑयल बनता है। तो ये तेल भी हमें प्लांट ही देता है। प्लांट गिव्स अस मेडिसिन। अब आपको मालूम है कि कुछ प्लांट्स हमें मेडिसिन भी देते हैं, जब हम बीमार पड़ते हैं तो इनको हम यूज़ करते हैं अपने आप को ठीक करने के लिए, जैसे तुलसी, नीम, एलोवेरा और टर्मरिक। तुलसी हम लोग जब हमें सर्दी खांसी होती है तो क्या करते हैं, हम लोग इसका काढ़ा पीते हैं जिससे हमारा सर्दी खांसी दूर हो जाता है। नीम हमारे साबुन यूज़ करते हैं हमारे बॉडी को क्लीन करने के लिए और जो फोरा फुंसी है उसको नहीं होने के लिए। एलोवेरा ये हमारे स्किन को अच्छा रखता है और ये भी मेडिसिन की तरह यूज़ किया जाता है। फिर ये टर्मरिक है, ये हल्दी है। जब आप लोगों को खांसी होता है तो क्या होता है, मम्मी थोड़ा सा दूध में क्या करती है, हल्दी मिला के देती है, जिससे कि आपका खांसी दूर हो जाएगा। तो ये भी क्या है, प्लांट गिव्स अस मेडिसिन। ओके, नाउ प्लांट गिव्स अस वुड। प्लांट हमें और क्या देता है, वुड। वुड मतलब लकड़ियाँ। तो हमें जो अपने घर में जो दरवाज़ा बनाते हैं, खिड़की बनाते हैं, हमारा बैट होता है, पेंसिल होता है, बोर्ड बनते हैं, वो किससे बनता है, सब वुड से, लकड़ियों से। फिर ठंड में हम लकड़ी जलाते भी हैं जब हमें ठंड लगती है। तो वी गेट वुड फ्रॉम टीक, शीशम, वॉलनट। ये ट्रीज के नाम हैं जिनसे हमें क्या होता है, जो वुड मिलता है। ठीक है, टीक है, ये भी वुड है, ये शीशम भी बहुत अच्छा वुड होता है, वॉलनट। वुड ऑल्सो यूज टू मेक फर्नीचर, डोर्स, पेंसिल, बोर्ड एंड बैट। मैंने पहले ही बताया कि हम क्या करते हैं, वुड को किस लिए यूज़ करते हैं, फर्नीचर के लिए, हमारे दरवाजा खिड़कियों के लिए, पेंसिल भी हमारा वुड से बनता है, बोर्ड के लिए, हम जो खेलते हैं उस बैट्स के लिए भी। ठीक है, नेक्स्ट है प्लांट गिव्स अस फाइबर। अब ये फाइबर क्या होता है, भाई हमारा कपड़ा जो बना हुआ है वो किससे बना हुआ है, फाइबर से। ठीक है, वी गेट फाइबर लाइक कॉटन एंड जूट क्लॉथ्स। हम लोग को फाइबर भी मिलता है इससे, प्लांट से, जैसे कॉटन है, जूट है, हम लोग गर्मी में कॉटन कपड़ा पहनते हैं। फिर हमारा घर में बोरा वगैरह होता है, डस्ट स्टॉपर होता है, ये सब जो है वो जूट के बने होते हैं। ओके, द अदर थिंग्स फ्रॉम प्लांट, वी गेट ऑल्सो पेपर, गम एंड रबर फ्रॉम प्लांट। ओके, जो हम पेपर जिसमें हमारा कॉपी, वी ऑल्सो गेट पेपर, गम एंड रबर फ्रॉम प्लांट्स। पेपर इज मेड फ्रॉम बैम्बू। आप लोग जानते हैं पेपर का किससे मिलता है, बैम्बू। बैम्बू किसको बोलते हैं, बांस। बांस से हमें क्या बनता है, बैम्बू से पेपर मिलता है, इससे कॉपी किताब सारे बनता है। अब गम आप लोग चिपकाने के काम में यूज़ करते हो ना, तो ये कहाँ से आता है, गम ट्री से आता है। इस ट्री को बोलते हैं कीकर ट्री। इसके जो जूस निकलता है इसको हम लोग जमा करके और इसका गम बनता है। ठीक है, जो चिपकाने के काम आता है। रबर जो हम लोग मिटाते हैं, इरेजर है, टायर है, साइकिल का टायर है, वगैरह वगैरह जो बनता है, आपका च्युइंगम भी है, वो एक रबर ही है। तो क्या है, ये रबर कहाँ से मिलता है, हमें रबर ट्री से मिलता है। ठीक है, रबर ट्री से क्या करते हैं, हम लोग इसका लिक्विड को इकट्ठा करते हैं, फिर ये फैक्ट्री जाता है, इंडस्ट्री में जा करके ये हार्ड और सॉफ्ट रबर बन के फिर ये हमारे यूज़ का हो जाता है। तो ये आपका लेसन नंबर टू फिनिश हो गया है। मैंने जो आज पढ़ाया उसको सब आप रिवाइज करेंगे। ओके, थैंक यू।